हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए लाइक करें। अभी टाइम हो गया है हमारे मुर्गियों और कबूतरों को दाना डालने का, सबसे पहले वो करते हैं। पानी मैंने चेंज कर लिया है, अभी सबसे पहले कबूतरों को खोलते हैं। और ये जो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ दिखाए थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, और अब आप चेक करें ये कितने बड़े हो गए हैं। वो जो मैं आपने आपको दिखाए थे ना, वो पिछली वीडियो में कि ये छोटे बच्चे निकाले हुए हैं, और अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं यार। दाना वगैरह मैंने डाल दिया है, और ये रोटी है, ये भी डालते हैं, ये भी बहुत शौक से खाएं। लो जी, आज इनकी पार्टी हो गई। सो फाइनली गाइस, वो बच्चे भी निकल आए हैं बाहर, और ये भी दाने वगैरह खा रहे हैं। और ये देखे गाइस, हमारे कबूतर के साथ ये छोटी छोटी स्पैरो भी खा रही है। वाह यार। सो गाइस, कबूतरों ने खा लिया, अब इनको बंद करते हैं। सो गाइस, अभी बारी है हमारी मुर्गियों की खोलने की, इनको भी खोलते हैं। आयो भाई यार, ये देखिए, ये इसको क्या हो रहा है, ये ऐसे, ये देखिए, ये देख यार, इसको मैंने अच्छा बड़ा रात को बंद किया था, ये देखिए ये कैसे कर रहा है, ये देखिए यार, इसको मैंने, यकीन करें आप, मैंने इसको बहुत अच्छे, ये बिल्कुल अच्छा था, ये ऐसे हिलता नहीं था ये, तो ये आज इसको पता नहीं क्या हुआ यार। अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इसका चेकअप करवाते हैं यार, ये क्या है। और अगर आपको मालूम है कि ये इसको क्या हो रहा है, ये हिलता बहुत है, ये देख, ये देख, खाते हुए ये बहुत हिलता है, ये देख। अगर आपको कोई मालूम है इसको, तो ये कमेंट बॉक्स में बताएगा इसको क्या बीमारी हो सकती है। ये देखें यार, अभी इसको जल्दी से लेके जाना पड़ेगा, तो इसको लेके चलते हैं, फिर अपनी दूसरी मुर्गियाँ खोलते हैं। ये रही मेरी दूसरी मुर्गियाँ, चलो उतनी देर ये खाती हैं, इसको लेके चलते हैं जल्दी जल्दी, इसको तो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं इसको। यार ये अच्छा भला था हमारा मुर्गा, चलो खैर, अब इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। सो गाइज, हमारे घर के पास ही ना वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ इसको लेके चलते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि इसको क्या मसला है। ये देखिए जी, मैं हॉस्पिटल के पास पहुँच गया हूँ, अभी चलते हैं अंदर। ये हमारे गांव का वेटनरी हॉस्पिटल है। सो गाइस, डॉक्टर ने ना इसे न्यूरोबियन का इंजेक्शन लगाया है, उस डॉक्टर ने कहा कि आप टैबलेट भी इसको खिला सकते हैं, और इसके साथ वेंटोजिनो के साथ ना हल्की हल्की इसके ना मालिश करनी है, तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपको भी कोई मेडिसिन का मालूम है तो कमेंट में बताएं। अभी इसको हमने रोटी में ना चाय वाली पत्ती डाली है, और ये खाएगा। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।